फिर से ओम बिरला जी का नाम सामने आ रहा है और केंद्र सरकार के लिए आप में से समझेंगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न से उठता है कि जब देश की जनता ने आपको एक संदेश भेजा है, आपको मेजोरिटी नहीं दी है, आपसे कहा है कि थोड़ा फेर बदल करिए, फिर भी आप उनको जारी रखेंगे, आप उनकी सपोर्ट में यूज करेंगे, आप वो स्पीकर साहब वो हैं जिन्होंने 130 से ज्यादा एमपी को सस्पेंड किया था, इतिहास में पहली बार हुआ था, इतने सारे चर्चा जो हुई थी बिल से लेकर वो चर्चा हुई नहीं, सीधा वो कानून बन गया। जिस तरीके से उन्होंने महुआ मोर्चा को डिस्क्वालीफाइड किया था वो ऐसी कमेटी के आधार पर जिसको ज्यादा से ज्यादा बीजेपी मंदिर के पार्लियामेंट थे, और खास करके शिवसेना को लेकर, शिवसेना का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि वही जो शिवसेना है जो स्थित हुई है उनको पार्टी का ऑफिस दे देना, मुख्यालय दे देना, ये सरासर गलत हुआ था। तो आप ये उम्मीद करना कि हाँ लाइफ से विल गो ऑन एंड इट से नो से वो हमें लाजमी नहीं है, तो हम साथ सबसे पहले स्पीकर के चरण में अगर आप सपोर्ट करते सपोर्ट चाहते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का मिलता है, ये लोग इस बात पर भी नहीं माने, तो इसलिए अखिल के सुरेश जी ने अपना नॉमिनेशन करा है और इंडिया अलायंस अपना नॉमिनेशन खड़ा कर रहा है।